16 दिसंबर 2021 तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मेरे गार्डन में लगे हुए कुछ देसी गुलाब पौधों के बारे में जो मैं यहां पर लगा कर रखा हूं। जैसे कि यहां पर है एक मेरे पिंक देसी गुलाब, लाइट पिंक, यहां पर आप देखिए इसके कलर बहुत ही बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत, बहुत सारे फूल खिलते हैं एक साथ, और कितने सारे फूल खिले हैं। कुछ दिन पहले तक मेरे ये प्लांट एक 10 इंच के कैरी बैग के अंदर लगा हुआ था, लेकिन अभी मैं हाल ही में ही कुछ 7 दिन पहले ही इसको शिफ्ट किया हूँ मेरे इस पॉट के अंदर, मतलब क्ले 10 इंच पॉट के अंदर। तो इसमें अभी ये बहुत सारे बर्ड्स आए हैं, क्योंकि मैं हाल ही में ही इसको प्रूनिंग भी किया था, मतलब 1 महीने पहले। तो प्रूनिंग करने के बाद प्लांट पे बहुत सारे नए नए से ब्रांचेस भी आए हैं और फ्लावरिंग भी शुरू हुआ है। उसके पास और एक देसी गुलाब के प्लांट है, और ये है लाइट रेड, मतलब यहाँ पर जो देख सकते हैं आप फूल खिल रहे हैं यही वैरायटी है, और ये भी देसी गुलाब के ही पौधे हैं। फूल छोटे से होते हैं और बहुत सारे फूल खिलते हैं एक साथ। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बर्ड्स आए हैं और ये फ्लावरिंग होंगे कुछ दिनों में ही। तो इसे भी मैं हाल ही में ही रिपोर्ट किया हूँ, ये मेरे एक 10 इंच के ही प्लास्टिक कैरी बैग के अंदर लगा हुआ था। जैसे कि यहाँ पर सभी कैरी बैग आप देख सकते हैं, ये सब कैरी बैग के अंदर ही मेरे गुलाब के प्लांट भी लगे हुए थे। तो जो भी हो, यहाँ पर और दो गुलाब के पौधे हैं, ये भी मैं कटिंग से ही ग्रो किया हूँ जैसे कि मैं बताया। तो इस प्लांट पे भी देखिए बहुत सारे फ्लावरिंग शुरू हो चुका है, और आने वाले समय में इसमें और भी फ्लावरिंग होंगे। तो यहाँ पे मैं प्रूनिंग किया था 1 महीने पहले, जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रूनिंग करने के बाद मैं सेफ फंजीसाइड का इस्तेमाल किया था ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो प्लांट पे। हालांकि देसी गुलाब पौधे पे बहुत कम फंगल इन्फेक्शन होते हैं, इसमें ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन और पेस्ट का अटैक होता नहीं है। तो इस वजह से आप देसी गुलाब पौधे को आपके गार्डन में या फिर पॉट के अंदर ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि फूल खिलते हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर है मेरे देसी गुलाब के मदर प्लांट, मतलब लाइट पिंक वाले जो वेराइटी मैं पहले दिखाया उसी का ही एक प्लांट है, और ये है मदर प्लांट। इसे भी आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत फूल खिले हैं, बहुत सारे बर्ड्स है मेरे अभी इस प्लांट पे, बहुत सारे ब्रांचेस निकल कर आए हैं। ये मेरे 3 साल से ऊपर हो चुका है, इसके जो मेन ब्रांच है देखिए कितना मोटा है, और 3 साल से मेरे ये बस्ते के अंदर लगा हुआ है। बस्ता तो फट चुका है, आने वाले समय में मुझे इसे रिपोर्टिंग करना है, तो मैं इसे 12 इंच पॉट के अंदर रिपोर्ट करूंगा। अभी तो बहुत सारे फूल खिल रहे हैं, तो मैं इसे मार्च या अप्रैल में रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि अभी फ्लावरिंग के समय है, मैं इस समय इसे रिपोर्टिंग करना नहीं चाहता हूं। जो भी हो, फूल खिल रहे हैं और बहुत सारे बर्ड्स हैं इस प्लांट पे भी। तो देसी गुलाब पौधे को केयर करना बहुत ही आसान है, इसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ना ही पेस्ट का अटैक होता है और ना ही फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। बस आप इसे टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र देते रहिए और प्लांट को रखिए फुल सनलाइट पे, तो पूरे साल भर ये फ्लावरिंग कर सकता है। फर्टिलाइज़र के रूप में आप दे सकते हैं मस्टर्ड के एक लिक्विड फर्टिलाइज़र, DAP पोटास का मिक्स, या फिर NPK, या फिर आप काउडंक भी ऐड कर सकते हैं। काउडंक अगर आप दे सके तो प्लांट पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं, अगर आप इंग्लिश गुलाब या देसी गुलाब कोई भी वैरायटी ग्रो कर रहे हो तो, क्योंकि काउडंक पे बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन रहते हैं, तो प्लांट का ग्रोथ भी अच्छे होते हैं और बहुत सारे फूल भी खिलते हैं। इसके अलावा प्लांट पे फ्लावरिंग खत्म होने के बाद इसको आगे से कट कर फेंक दीजिए, जैसे कि देखिए ये फूल सूखने वाला है, तो इसे यहाँ से कट कर देना चाहिए। तो इससे आपके प्लांट से आने वाले समय में यहाँ से और भी ज्यादा मात्रा में ब्रांचेस निकलेंगे और ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग होंगे। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए एक फूल मुरझा चुका है, तो इसे भी मैं यहाँ से कटिंग कर दूंगा। तो ये काम करते रहिए तो प्लांट पे बहुत सारे बर्ड्स भी आएंगे और आने वाले समय में फ्लावरिंग भी अच्छा खासा होगा। तो जैसे कि ये देसी गुलाब आप देख सकते हो, इसमें जो पेटल्स है बहुत ही कम है देखिए, लेकिन कलर बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन ये जो गुलाब है मेरी, ये वाले वैरायटी, इसमें पेटल्स देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में है और कलर भी बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन दोनों ही देसी गुलाब ही है, देसी गुलाब में
बहुत अच्छे फ्लावरिंग होते हैं। तो जैसे कि मैं बताया, देसी गुलाब पौधे को आप थोड़ी सी बड़े स्पेस पे ग्रो कीजिए, मतलब 12 इंच पॉट के अंदर, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। प्लांट बहुत ही बड़ा होता है और इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ्लावरिंग भी होते हैं। तो फर्टिलाइजर के बारे में मैं बताया कि आप डीएपी और पोटास का मिक्स दे सकते हैं, या फिर आप एनपीके के किसी भी वैरायटी को दे सकते हैं, लेकिन ये आपको बहुत ही कम मात्रा में यूज करना है। मतलब अगर आप 10 इंच पॉट के अंदर प्लांट को ग्रो किए हैं तो 1 टीस्पून काफी है डीएपी और पोटास का मिक्स। पॉट पे मिट्टी को थोड़ी सी गुड़ाई करके उसके बाद 1 टीस्पून आप दे दीजिए एटलीस्ट महीने में एक बार, तो फूल बहुत ही ज्यादा मात्रा में खिलेंगे और बहुत ही बड़े साइज में फ्लावरिंग होंगे। ऐसे नॉर्मली आप इंग्लिश गुलाब को अक्टूबर में प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन देसी गुलाब को आप साल में 2 बार प्रूनिंग कीजिए। जैसे कि अक्टूबर के महीने में आप सभी प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं, देसी या फिर इंग्लिश दोनों तरीके की गुलाब की प्रूनिंग किया जा सकता है, लेकिन देसी गुलाब को आप अक्टूबर के अलावा आप मार्च पे भी एक बार प्रूनिंग जरूर कर सकते हैं। इससे आपके प्लांट पे पूरे साल भर ही फ्लावरिंग होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था देसी गुलाब पौधे के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।